पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 6 पानी के बदलते रूप। इस पाठ में हम जल के वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को समझेंगे, साथ ही जल के विभिन्न रूपों से परिचित होंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ में दिए गए कविता से। कविता का नाम है मीना की जुबानी। बैठे बैठे तालाब किनारे सोच रही है रानी, कुछ दिन पहले भरा तालाब था, कहाँ गया वह पानी। देख चिंता में रानी को, मीना ने उसे समझाया, सूरज की गर्मी ने उसे जलवाष्प बना उड़ाया। वाष्पीकरण कहते हैं इसको, सुनो ध्यान से रानी, उड़ जाता है भाप बनकर गर्मी से यह पानी। गर्मी पाकर कपड़े सूखते और उबलता पानी, सूरज व आग की गर्मी से जुड़ी वाष्पीकरण की कहानी। गर्म भाप जब ठंडा पड़ता बन जाता फिर पानी, वाष्पीकरण के उल्टा बच्चों संघनन की है कहानी। जल वाष्प पेड़ पौधों के आस पास है उड़ता, होकर ठंडा ओस रूप में है उस पर वह पड़ता। हमने कविता में वाष्पीकरण और संघनन की बात की, चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। वाष्पीकरण, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जल के स्रोतों पर जैसे नदी, तालाब, कुएं आदि के पानी को गर्म करती है। गर्म होने से पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। पानी के भाप बनने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। हम इस जल चक्र के दूसरे प्रक्रिया को देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया है संघनन। जल वाष्प ऊपर उठती है और ठंडी हवा के संपर्क में आने के बाद ये जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये जल की बूंदें एक साथ मिलकर बादल बनाती है। इस प्रक्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। हम जल चक्र के तीसरे चरण को देखते हैं। तीसरा चरण हमारा वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। जब ये बादल जल के बूंदों से भारी हो जाता है, तब ये वापस पृथ्वी में वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये अब जल चक्र के हम चौथे चरण को देखते हैं। यह है संग्रहण या कलेक्शन। कुछ जल पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है या सोख ली जाती है। इसे भूमिगत जल कहते हैं या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। बाकी जल वापस समुद्र, झील, नदी, तालाब में चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर या संग्रहण। फिर यहाँ से जल सूर्य की किरणें द्वारा गर्म हो जाती है और यह चक्र पुनः चलता रहता है। बच्चों, हमने अभी कविता तथा मॉडल के जरिए जल चक्र को समझा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। जब हम अपने कपड़े धोते हैं तो वे गीले हो जाते हैं। हम कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में डाल देते हैं। कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है? वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। जी हाँ, कपड़ों में मौजूद पानी जल वाष्प में बदलकर ऊपर उठ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। बच्चों, घर पर मम्मी को पानी उबालते देखा होगा। पानी गर्म होकर क्या बन जाता है? गर्म होते ही जल वाष्प में वह बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, याद है ना? अच्छा, यदि उबलते पानी के पतीले को ढक दे तो ढक्कन में भाप आ जाता है। ठंडा होने पर ये भाप क्या बन जाता है? हाँ, भाप
फिर से पानी बन जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। तो इस प्रकार बच्चों हमने अपने दैनिक जीवन में भी संघनन और वाष्पीकरण को देखा।